आज आई हूँ ना मेरे पास आती गार्डन गार्डन हो रहा है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं जा रही हूँ अपनी एक फ्रेंड को मिलने, जिसको मैं मतलब 9 महीने बाद मिल रही हूँ। हम दोनों की शादी सेम मंथ में हुई थी, पर उसके एक दिन पहले और मेरे एक दिन बाद हुई थी। फिर उसके बाद अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गई कि ना उसको फ़ोन उठाने का टाइम, ना मैसेज करने का। तो अब फाइनली वो अपने मायके आई हुई है, तो आज मिलने का हमने प्लान बनाया हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ लड़की कौन है जो इतनी बिजी है कि जिसके पास टाइम तक नहीं है। लड़की जो 9 महीने बाद मिली है, तो कहाँ बिजी थे आप 9 महीने तक? घर पे। कहाँ? घर पे बिजी थे भाई, ससुराल में। ससुराल का कार्यभार संभाल, पार्टी ना देना पड़े तो उसने बात ही नहीं करी भाई। आज आई हूँ ना, फ्रेंड वो रहे सामने। लेट किया उन्होंने बहुत। आना मेरे पास। तेरे पास क्या आएगा? अपने बीवी के पास जाएगा। देख जो अभी भी डोरे मार रही है तेरे पति पे। हमारा ऑर्डर आता है, तब तक हम थोड़ा आए बाहर फोटो वोटो खिंचाने, थोड़ा झूला वूला खेल लेंगे। तो आपको दिखाते हैं ये झूला झूलते हुए। जोर से फेंको उसको आगे तक जाए। दोनों मियाँ बीवी झूला झूलते हुए। तो कैसा लगा आपको यहाँ के? कौन सा फार्म? मुर्गी फार्म? कौन सा फार्म है आपका? घर का फार्म। घर का फार्म, ऐसी खेत, ऐसी बाग। ओ माय गॉड, तभी मैं बोलूँ तूने कैसे ले लिया इतना महंगा पर्स? नहीं, पैसे मैंने दिए हैं, पर पसंद उसने करा। तो ये आ चुका है इन लोगों का ऑर्डर। हमको पार्टी देने के लिए आई है, खुद खाने के लिए आई है। ले खा ले। बेहतरीन, ठीक है। लेके जाऊँ ना जाऊँ? क्या लेके जाने की? पन्नी पर्स के अंदर? यहाँ से भर के ले जाएगी जो बचेगा। मेरा ऑर्डर भी आ चुका है। ये देखिए पति देव को इतने लेट आते हुए, जब यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। बड़ी जल्दी आए। 5,000 का बिल वो देवी देगी भी कई बदलो, उसको भांडे बजाने पड़ रहे हैं। हम फिर आए हैं बाहर, थोड़ा फोटो वोटो खिंचाएंगे क्योंकि अभी ऑर्डर दिया है हमने फिर से कुछ, तो अभी वो बनने में टाइम लगेगा। तब तक बाहर हम आए, थोड़ा फोटो सेक्शन होगा। तो अपनी सालियों से मिलकर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। कैसा? बहुत ही अच्छा। वो भी साली समझ ले। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है सालियों को देखकर। तो ये आ चुका है हमारा जो हमने अभी ऑर्डर किया था। आया है बिल जो देगी हम जोशी। ये बिल भी डाल दी, बहुत कम आया है। दोबारा खा लो। नहीं यार, घर के लिए पैक करा के दे दे कुछ। 1765 ज्यादा नहीं है जोशी के पर्स से निकलते हुए नोट। 2,000 का। छोटे मोटे भी नहीं, बड़े बड़े नोट निकल रहे। तो पन्नी लाई उसमें डाल दिए जोशी। अच्छी लगती है यार, ये होली से मिलती है ना। हाँ तो पन्नी लेके आई है, तो उसको डाल दे। आपको जोशी की पार्टी बहुत बढ़िया, बहुत दिनों बाद मिली। और अच्छा बिल बैठाया। अरे कम था, कम और बैठाना चाहिए था। बाय। जीतते रहो जीतते रहो। बाय बाय बाय। फिर फ्रेंड लोग भी चले गए हैं अब अपने अपने घर, तो अब हम भी निकलते हैं होटल से। आ रहे हैं होटल के में कुछ काम मार्केट से। तो हम ये नैनीताल से बनवा के लाए थे रावत हाउस, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। तो अभी इसको बिक्की यहाँ पे टाँकेंगे घर के बाहर। हमारा रावत हाउस जो बिक्की रावत ने लगाया है, तो कैसा लग रहा है मम्मी आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा रावत।
इसमें विक्की रावत भी लिखाना था। तो आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं और आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइए कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। और तब तक के लिए बाय गाइस, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।